Hello students, in last video lecture we studied about Young's modulus, bulk modulus and shearing modulus. Now in this lecture we will study about stress strain curve, means we will draw a graph between stress and strain. Stress or strain ke beech mein hum ek curve, ek graph hum banayenge aur dekhenge ki kisi bhi body pe, kisi bhi wire pe jab hum force lagate hain, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट करते हैं, उस पर जब हम स्ट्रेस लगाते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेन कैसे कैसे चेंज होता है, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। तो फटाफट से देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये कोई मटेरियल है हमारे पास, इस मटेरियल पे हमने इसकी जो लेंथ थी वो क्या थी, एल थी। आपने इस पर स्ट्रेस लगाई तो स्ट्रेस के लगने की वजह से जैसे जैसे आप स्ट्रेस इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन इंक्रीज होता जाएगा किसी एक लिमिट तक, ठीक है। तो उसका हम ग्राफ बनाएंगे और अल्टीमेटली कहाँ तक ग्राफ बनाएंगे, बेसिकली वी विल स्टडी द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रॉपर्टी, स्ट्रेन प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल कब तक, जब तक वो टूट नहीं जाता। हम उस पर इतना स्ट्रेस ना लगा दें जब तक वो टूट ना जाए, तब तक हम उसकी स्टडी करेंगे। तो देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कैसा होगा। ये दो एक्सेस ले ली हमने, ये वाली एक्सेस हो गई क्या स्ट्रेन की और ये वाली एक्सेस हो गई क्या स्ट्रेस की। ये वाली एक्सेस स्ट्रेस की हो गई और ये वाली एक्सेस स्ट्रेन की हो गई। तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग की। आपने इस पर फोर्स लगाना, स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू किया, तो जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, आपने स्ट्रेस बढ़ाई तो जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गई। मतलब जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या स्ट्रेन के, दैट मीन्स कि ये जो मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ऐसा ग्राफ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो कैसा बनेगा, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ये सीधा सीधा ग्राफ बनेगा किसी एक पॉइंट तक, ठीक है। मैंने कहा क्या है, ये पॉइंट हो गया क्या ए और ये वाला पॉइंट हो गया क्या ओ। तो ओ से लेके ए तक ये वाला जो ग्राफ है ये फॉलो कर रहा है फॉलोइंग हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को ये फॉलो कर रहा है। चलिए अब इसके बाद क्या होता है कि जिस इसके बाद अगर आप स्ट्रेस लगाना कंटिन्यू रखते हैं, इसके बाद भी आप जब स्ट्रेस लगाते हैं तो अब जो मॉलिक्यूल्स हैं आपने उन पे वहाँ तक फोर्स लगा दी है कि अब यहाँ के बाद मॉलिक्यूल्स हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, इस पॉइंट के बाद मॉलिक्यूल्स हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करने वाले। तो ये जो है अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे अब स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। आप इमेजिन कीजिए उस वायर को कि पहले आप फोर्स लगाते हैं उस पर, वो थोड़ा मुश्किल से एक्सपेंड होता है, मुश्किल से स्ट्रेच होता है, लेकिन आप फिर जब एक लिमिट के बाद उस पर फोर्स लगाते हैं तो आप देखते हैं कि उस पर थोड़े से फोर्स की वजह से ही वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। इसका मतलब है कि आपने स्ट्रेस तो कम लगाया लेकिन उसके पास स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा आया। तो ये वाला जो है ग्राफ, इसके बाद आपने अगर स्ट्रेस लगाना जारी रखा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये ग्राफ कुछ यहाँ से ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, इट विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड दिस पॉइंट इज नोन एज बी, दिस इज यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट और वी कैन से इलास्टिक लिमिट है ये इसकी। क्या कहेंगे हम इसको, इलास्टिक लिमिट। कहने का मतलब ये है कि ओ से लेके ए तक कोई भी जो जो मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन ए के बाद बी तक वो हुक्स लॉ को फॉलो तो नहीं कर रहा, लेकिन इस पॉइंट तक उसकी इलास्टिक लिमिट है। मतलब अगर इस पॉइंट पे जाने के बाद भी आप स्ट्रेस हटा देते हैं उससे
एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। लेकिन अगर आपने इसके बाद भी फोर्स लगाना कंटिन्यू रखा तो उस कंडीशन में ये वायर जो है वो कुछ इस तरह से स्ट्रेच होता जाएगा और होगा ये कि ये जो सी पॉइंट पे जाके इसकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाएगी। अब ये जो है इस बॉडी में क्या आ चुकी है, अब इलास्टिसिटी नहीं है, ये अपनी पोजीशन को अब रीगेन नहीं कर सकता। यहाँ पे पहुँचने के बाद जब इस वायर से आप फोर्स को हटाएंगे तो फोर्स हटाने के बाद आप देखेंगे कि जितनी लंबाई पहले थी वायर की, जितनी लेंथ पहले थी वायर की, अब वायर उतना लंबा नहीं रहा बल्कि उससे ज़्यादा ये इलोंगेट हो चुका है क्योंकि आप इसको इसकी इलास्टिक लिमिट से बाहर ले गए हैं। तो अब अगर आपने फोर्स हटाई तो ये वायर जो है वो बजाय यहाँ पहुँचने के, मतलब इसकी स्ट्रेन, मतलब चेंज इन पोजीशन जीरो पहुंचने के, ये कुछ ये वायर यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, ये पॉइंट, ठीक है, और ये उसमें स्ट्रेन आ चुका है, उसकी पोजीशन में स्ट्रेन आ चुका है। स्ट्रेन का मतलब है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल चुकी है। क्या क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये सी पॉइंट हो गया, अब डी पॉइंट इसके बाद भी आप नहीं माने, मान लीजिए इसके बाद भी नहीं माने तो ये वाला इसके बाद आप अगर आगे बढ़े तो ये आपको कोई पॉइंट मिलेगा, दिस इज डी पॉइंट एंड दिस इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब है कि ये वो पॉइंट है जहां पे अब इसके बाद अगर आपने इस पर फोर्स लगाई तो वायर फ्रैक्चर हो जाएगा, वायर टूट जाएगा, और इसके बाद भी हमने फोर्स लगाई तो ये वायर जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका है। क्या समझ में आ गई बात? तो ये कंप्लीट स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये इस तरह से ये ग्राफ ऐसा बनता है कि ओ से ए तक ये हुक्स लॉ फॉलो करेगा, ए से बी तक आपने इसको इंक्रीज किया तो हुक्स लॉ तो फॉलो नहीं करेगा लेकिन अभी भी इसमें इलास्टिसिटी रहेगी, मतलब अगर आप इसमें से फोर्स रिमूव कर देंगे तो ये वापस से ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। लेकिन अगर बी के बियॉन्ड आप चले गए तो उस कंडीशन में ये अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा और इस वायर के पास क्या आ जाएगी, इट विल बी हैविंग प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब वो प्रॉपर्टी जिसके तहत ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन को रीगेन नहीं कर सकता। इसके बाद भी आपने फोर्स का को कंटिन्यू रखा तो ये फ्रैक्चर पॉइंट होगा, इसके बाद भी होगा आपने फोर्स को कंटिन्यू रखा तो फाइनली वायर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो बेसिकली ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। मैं फटाफट इसको लिख देता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहिए। तो देखिए, फ्रॉम ओ टू ए द स्ट्रेन in wire is directly proportional to stress, comma beyond nahi comma it will follow Hooke's law, ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, फुल स्टॉप, बियॉन्ड ए इट विल नॉट फॉलो हुक्स लॉ बट स्टिल इट इज हैविंग elasticity till point B, but if full stress is applied further than
इट विल लूज इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड अटेन प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी मीन्स इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन. चलिए प्लास्टिसिटी आ गई. देन आफ्टर सी प्लास्टिसिटी एट सी आफ्टर सी इट विल रीच टू फ्रैक्चर पॉइंट एंड इफ फोर्स इज अप्लाइड फर्दर देन इट विल फाइनली ब्रेक डाउन. ये फाइनली ब्रेक डाउन हो जाएगा. क्या समझ में आ गई? तो ये बेसिकली क्या है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है. अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पे कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, हम फटाफट उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं. आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर इसको रब कर देता हूँ. अब देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स हैं. वो क्या हैं? वो टॉपिक्स हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी पे बेस्ड. मटेरियल की प्रॉपर्टी पे बेस्ड कैसे? फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई क्या किसी भी मटेरियल की, दैट इज ब्रिटलिटी. कि कोई भी मटेरियल कितना ब्रिटल है. ब्रिटल का मतलब कितना भुरभुरा है. ब्रिटल का मतलब वो कितना जल्दी ब्रेक डाउन हो सकता है, कितना जल्दी टूट सकता है. लेकिन उसको अगर हम पढ़ें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पे, तो हम उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये स्ट्रेन हो गया और ये स्ट्रेस हो गया. ठीक है, मैं दो टॉपिक्स को एक साथ पढ़ाऊंगा. दूसरा टॉपिक हो गया क्या, डक्टिलिटी. तो ये कर्व नंबर वन है और ये टू है. एक ग्राफ आपके पास ये है, ये पॉइंट ए आ गया, उसके बाद ये पॉइंट बी, देन ये पॉइंट सी, एंड आफ्टर दिस पॉइंट डी और ये ई. चलिए दूसरा है ये पॉइंट ए, ओ ओ, देन ये पॉइंट बी, नहीं यहाँ पे बी, देन ये सी पॉइंट, देन ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट. अब देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो ब्रिटल मटेरियल का है और कौन सा ग्राफ जो है वो डक्टाइल मटेरियल का है. तो यहाँ से अगर आइडेंटिफाई करने की बात आ जाए, तो अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूँ, तो ये इस ग्राफ का ये वो पॉइंट है जहाँ इसने इलास्टिसिटी लूज कर दी, और इलास्टिसिटी सी पे ही तो लूज करता है. और उसके बाद इसके पास फ्रैक्चर पॉइंट आ गया और फ्रैक्चर पॉइंट के बाद ये तुरंत ब्रेक डाउन हो गया. लेकिन मैं अगर इस ग्राफ को एनालाइज करूं, तो इलास्टिसिटी के बहुत देर बाद, इलास्टिसिटी के बहुत देर बाद ये इसका फ्रैक्चर पॉइंट आया है. मतलब ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, दिस इज प्लास्टिक रीजन. इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन. तो ये जो मटेरियल है इसका प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा है. मतलब कि आप इस पर जब फोर्स लगाएंगे तो अपनी इलास्टिसिटी लूज करने के बाद ये बहुत देर तक प्लास्टिक रीजन में रह सकता है, एंड आफ्टर दैट इट विल गेट ब्रेक डाउन. सो दिस मटेरियल, ये मटेरियल कौन सा होगा,
ये मटेरियल स्ट्रांग होगा। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स। और ब्रिटल मटेरियल्स कौन से होते हैं, जिनका प्लास्टिक रीजन बहुत कम होता है। तो मैं यहां लिखता हूं दीज मटेरियल्स हैव वेरी स्मॉल प्लास्टिक रीजन, दैट इज दे इमीडिएटली ब्रेक डाउन आफ्टर इट्स यील्ड पॉइंट के तुरंत बाद ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। यील्ड पॉइंट या क्रशिंग पॉइंट एक ही बात है। अब अगर मैं डक्टिलिटी की बात करूं तो बेसिकली डक्टिलिटी क्या है, डक्टाइल, ये मटेरियल कौन सा हो गया, दिस इज ब्रिटल मटेरियल, और ये मटेरियल कौन सा हो गया, दिस इज डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल वो होगा जिसकी प्लास्टिक रेंज बहुत ज़्यादा है और ये बहुत देर तक सस्टेन कर सकता है इलास्टिक लिमिट के बाद। दे हैव ग्रेट प्लास्टिक रेंज बहुत बड़ा होता है इन मटेरियल्स का। चलिए, क्या ये बात क्लियर हो गई। चलिए आप देखते हैं ये डक्टाइल मटेरियल्स, एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज मैलिएबिलिटी का क्या मतलब है, मैलिएबिलिटी किसी भी प्रॉपर्टी की, उस किसी भी मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को शो करता है कि किसी भी मटेरियल को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने के बाद जब उसकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है, मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करता, तो उसके बाद इलास्टिक रेंज के बाद हम उसको और ज़्यादा कितना खींच सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी। मटेरियल क्या होगा, डक्टाइल होगा, मैलिएबिलिटी किस में ज़्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड को आप बहुत स्मॉल शीट्स में कट कर सकते हैं, बहुत स्मॉल पीसेस में कर सकते हैं, क्यों, दैट इट कैन बी सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर इट्स इलास्टिक लिमिट के बहुत देर बाद तक वो सस्टेन कर सकता है। तो मैं यहां लिख देता हूं बाय वर्च्यू ऑफ दिस अ मटेरियल कैन बी बीटन इंटू थिन शीट्स। तो अगर इन दोनों ग्राफ्स के बेसिस पे आपसे पूछा जाए कि मैलेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो मैलेबिलिटी डक्टाइल मटेरियल की ज्यादा होगी। चलिए, अब इसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे इलास्टिक फटीग और इलास्टिक फटीग का मतलब है थकान आ जाना। किसी वायर पे आपने वेट लटकाया हुआ है और जब वो बहुत ज़्यादा उस पे वेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा देर तक वो सस्टेन करती है, तो उसकी इलास्टिक जो रेंज है वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और मटेरियल अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। जब मटेरियल अपनी स्ट्रेंथ खो देता है, दैट इज़ नोन एज इलास्टिक फटीग। ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद एक और चीज़ है, फोर्थ नहीं लिखूंगा मैं, एक अलग हेडिंग है, दैट इज इलास्टोमर्स क्या होते हैं। इलास्टोमर्स लाइक एक रबर बैंड, एक इलास्टिक रबर, वो इलास्टोमर्स क्या है, इलास्टोमर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो हुक्स लॉ फॉलो नहीं करते। और इनका ग्राफ कैसे जाता है, ये है स्ट्रेन और ये है स्ट्रेस, इनका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। दे डू नॉट फॉलोज हुक्स लॉ फॉलो नहीं करते, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इलास्टिक रबर। क्या बात समझ में आ गई आपको। तो ये हो गया कंप्लीट इलास्टोमर्स।
एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, दैट इज पॉइजन्स रेशियो। तो फटाफट हम उसको और देख लेते हैं, वहां फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पॉइजन्स रेशियो। मुझे याद है एक बच्चा बोलता था कि सर फिजिक्स में सारी चीज़ें हैं, आपने पहले स्ट्रेस दिया, उसकी वजह से इतना सारा स्ट्रेन हो गया हमारे, और अब आपने फाइनली पॉइजन दे दिया। तो फिजिक्स में सारी चीज़ें, पॉइजन्स रेशियो क्या बताता है? पॉइजन्स रेशियो ये बताता है कि किसी भी वायर को, ये वायर फॉर एग्जांपल उसका डायामीटर जो है वो ये है, ये इसका डायामीटर है, इस वायर को जब आपने फोर्स स्ट्रेस लगाई तो स्ट्रेस की वजह से ये वायर जो है वो एक्सटेंड हुआ, इसकी लेंथ इंक्रीज हुई। आपने कहा लेंथ इंक्रीज हुई, लेकिन आपने इसके डायामीटर की कोई बात नहीं की। मैंने इसके डायमीटर की कोई बात नहीं की कि डायमीटर का क्या हुआ, कि अगर लेंथ इंक्रीज हुई तो वायर पतला होता जाएगा, उसका डायमीटर कम हो जाएगा। तो उस डायमीटर की अभी तक हमने बात नहीं की, पॉइजन रेशियो उसी डायमीटर की बात करता है। वो ये कहता है कि अगर लेंथ इंक्रीज हुई है तो डायमीटर डिक्रीज जरूर होगा। तो लेंथ अगर इंक्रीज हुई, डायमीटर डिक्रीज हो गया, तो हमने कहा डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर जो नया डायमीटर मिला है अब, दैट न्यू डायमीटर इज दिस, ये नया डायमीटर ये है, ये दिस इज द न्यू डायमीटर, न्यू वायर। तो इसकी जो लेंथ पहले थी, इसकी जो लेंथ थी पहले दैट वाज एल, अब इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई क्या, डेल्टा एल। इसकी जो रेडियस पहले थी, दैट रेडियस वाज दिस कंप्लीट वन, दिस वाज आर, अब जो नई रेडियस मिली है वो है ये, मतलब जो इन डिक्रीमेंट हुआ है रेडियस में, डिक्रीमेंट जो रेडियस में हुआ है वो कितना रेडियस में डिक्रीमेंट हुआ है, दिस इज दिस, दिस इज डेल्टा आर। क्या समझ में आ गई बात? तो लेंथ इंक्रीज हुई और रेडियस डिक्रीज हुआ है। तो मैं फटाफट लिख देता हूं, पॉइजन रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो है कि जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दैट इज, इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और जो डायमीटर में डिक्रीमेंट हुआ है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एंड लैटिट्यूडिनल स्ट्रेन। समझ में आ गई बात? तो इसको हम लिखेंगे कैसे, पॉइजन रेशियो, इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल, और लैटिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया, दैट इज डेल्टा आर अपॉन आर। लेकिन लेंथ तो इंक्रीज हुई थी तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन रेडियस डिक्रीज हुआ है तो यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सो दिस इज डेल्टा एल अपॉन एल इंटू आर अपॉन डेल्टा आर माइनस, दिस इज पॉइजन्स रेशियो। क्या समझ में आ गई बात? तो ये होता है पॉइजन्स रेशियो। तो यहां ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे That will be fluid mechanics. यहाँ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू सो मच।